हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी वाई दृष्टि वर्मा। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब बनी हुई है, उसमें बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और कैसे कैसे चेंजेस किए गए हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैबिनेट का निर्णय, मेरिट के आधार पर दौड़ के लिए बुलाए जा रहे अभ्यर्थियों के दौड़ के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें मैं बता रही हूँ कि इसमें जो पुलिस भर्ती हुई है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव तो यही हुआ है कि जो ये है कि अब जो पुलिस भर्ती की जो परीक्षा होगी वो मेरिट होगी, अब लिखित परीक्षा से तय होगी। सिर्फ उसमें जो दौड़ के नंबर हैं वो नहीं जुड़ेंगे। तो ये इसमें हम देख लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में सिपाही भर्ती में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। खास बात यह है कि 1,01,000 सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले पुलिस भर्ती हाई स्कूल के अंकों के आधार पर 100 अंक, इंटर के अंकों के आधार पर 200 अंक और फिजिकल टेस्ट 200 अंकों के आधार पर होती थी, लेकिन अब व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। कैबिनेट ने फैसला किया कि सिपाहियों की भर्ती लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर की जाएगी। पहले होता क्या था कि हाई स्कूल के जो मार्क्स होते थे या इंटर के जो मार्क्स होते थे उनके मार्क्स के हिसाब से उनको अंक दिए जाते थे, फिर दौड़ होती थी। दौड़ में भी जो पहले नंबर दिए जाते थे पर अब लेकिन दौड़ के नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसमें देख लेते हैं, प्रदेश सरकार ने नागरिक पुलिस सिपाही की भर्ती व्यवस्था में अब भर्ती लिखित परीक्षा की मेरिट और दौड़ पास करने के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा की मेरिट पर ही दौड़ के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, उन्हें दौड़ के लिए क्वालिफाइंग करना होगा, दौड़ के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें दौड़ सिर्फ क्वालिफाइंग होगी और दौड़ क्वालिफाइंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेडिकल कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट रेस ऑफ 4.1 किलोमीटर इन मैक्सिमम 25 मिनट एंड फीमेल कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट रेस 2.4 किलोमीटर इन मैक्सिमम 16 मिनट। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें इजीली एग्जाम पास हो जाएगा। नहीं, इजीली एग्जाम पास नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आगे इसमें और भी है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सिविल्स गैलेक्सी बाय दृष्टि वर्मा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले जितने भी जो मेरे जॉब नोटिफिकेशन है, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल है, सब सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ कि सबसे पहला जो इसमें है कि खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय, खजुराहो टेम्पल किसके द्वारा बनाए गए हैं? पंचाल्स के द्वारा, चंदेल्स के द्वारा, हरियक के द्वारा या नंद के द्वारा? ठीक है, द पंचाल्स, द चंदेल्स, द हरियक्स, द नंदास। तो इसका आंसर आपको सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, खजुराहो टेम्पल किसके द्वारा बनाए गए हैं? पंचालों के द्वारा, चंदेलों के द्वारा, हरियक के द्वारा या नंदों के द्वारा? देखिए, कोर्ट में रुकी हुई भर्तियां नहीं शामिल की जाएंगी। अब ये क्या है, देखिए ये क्या न्यूज है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीनाथ सिंह ने गृह सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि जो 2015 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने 34,716 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, इसमें 29,000 पद सिविल पुलिस और 5,716 पद पीएससी के लिए थे। बाद में यह मामला हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद 27 मई 2016 को मामले में कोर्ट ने स्टे देते हुए रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार पर पक्ष भी पूछा था पर सरकार ने अपना पक्ष रख दिया। हाई कोर्ट के सुनवाई के बाद 9 अक्टूबर 2017 को निर्णय सुरक्षित कर लिया। प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि इन रिक्तियों को छोड़कर 42,000 पद निकाले गए हैं। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो रही है।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जो 22 जनवरी से शुरू हो रही है वो उनको छोड़कर हो रही है। उन्होंने कहा है कि यह भ्रम बना रहेगा कि हाईकोर्ट में रुकी भर्तियां इसमें शामिल करनी है या नहीं, रुकी भर्तियां शामिल नहीं है। यदि हाईकोर्ट का फैसला पक्ष में आता है तो इन 42,000 को भी मानते हुए जल्दी से इनको भी एड कर लिया जाएगा। जल्द ही नए डीजीपी जो आएंगे वो डीजीपी इस बारे में हमको जानकारी देंगे। आगे इसमें एक और न्यूज है कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा है वो 4 चरणों में होगी, ठीक है, 4 चरणों में होगी। ऑनलाइन या चालान आप दोनों भर सकते हैं। 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और इसमें एक चीज का और ध्यान दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बिल्कुल भी आप इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। नए नियमावली के तहत 300 अंक की होगी, इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता का प्रश्न शामिल होगा। किसी सवाल का गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। शारीरिक परीक्षा में पुरुषों के लिए, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए कितना कितना है, और इसमें 400 रुपये जो इसकी फीस है, परीक्षा फीस 400 रुपये की गई है, ठीक है। और इसके भर्ती की अर्हता के मुताबिक 1 जुलाई 2018 को अभ्यर्थियों की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 22 साल से अधिक होनी चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता, हाई स्कूल इंटर पास होना हो या सरकार की ओर से उसके समकक्ष कोई कोर्स का होना जरूरी है। तो ये सब कुछ, इट्स ऑल अबाउट यूपी पुलिस। इसमें इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई डाउट आपको लगता है कि कोई भी डाउट यूपी पुलिस से लेकर आपको लगता है, या फिर आप किसी भी कोर्स का किसी भी जो सब्जेक्ट है उसका कोर्स स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं कि आप मुझे हिंदी का स्टार्ट करें या फिर मैथ का कोर्स स्टार्ट करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब सिविल्स गैलेक्सी। थैंक यू।